से एक साल एंड बहुत अच्छी बात है। और आप में से जो पूरे एक साल से जुड़े हुए उनको तो क्या कहें, विशेष प्रणाम है, भगवान की विशेष कृपा है कि आप सब लोग अभी तक जुड़े हुए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और हमने एक स्पेशल कार्यक्रम रखा है एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। एक तो फिजिकल कार्यक्रम भी रख सकते हैं जहां आप सब लोग आएंगे, अगर आ सकते तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कार्यक्रम भी एक रख रहे हैं हम, तो उसकी प्लानिंग चल रही है, देखते हैं किस प्रकार क्या होता है, कोशिश करेंगे। आप लोगों के कुछ आइडियाज है तो दे सकते हैं कैसे इसको ऑनलाइन हम सेलिब्रेट करें। भगवत प्राप्ति अध्याय 8, भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हं वंदे श्रीगुरुदेनधारिणं परमानंदमाधवं श्रीचेतनमीश्वरं। श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 10 रिपीट कीजिए स्वाति जी, हमारे क्लास के मॉनिटर, और इस क्लास को शुरू करवाने के पीछे जिनको श्रेय जाता है। इन्होंने बोला था कि हम 10 लोग हैं और 10 लोग मिलकर के हम क्लास शुरू करना, मतलब ये तो कुछ लोग थे, मैंने बोला था कि यू नो अरिंदम 10 क्लास लेते तो कम से कम 15-20 लोग चाहिए। तो इस प्रकार से तो मुझे वो 10 में से अभी कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं ही हूँ शायद। आप भी हैं, है ना, और कोई नहीं है? नहीं, जब स्टार्ट किया था जो लोग थे वो सारे आई डोंट थिंक कोई आ रहे हैं अभी। कोई हाँ। कोई है क्या उनमें से जो शुरुआत में 10-15 लोग जो थे? कोई नहीं, मैं 29 मई से स्टार्ट किया था। नहीं, जो जिन लोगों ने उस क्लास को इनिशिएटिव लिया था उनकी बात कर रहे हैं। आप सब तो पुराने हैं, जो जुड़े ही रहते हैं, भक्त लोग हैं, वो लोग बिल्कुल भी चैंटिंग नहीं करते थे, गीता नहीं पढ़ते थे, वैसे लोग थे, नए लोग थे सारे। यस, श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेना, प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्या, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्या, भ्रुवोर मध्ये प्राण आवेश सम्या, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्या, सतमा परम पुरुषम उपेति दिव्यम, सतमा परम पुरुषम उपेति दिव्यम। जो ये क है इसका वो पिछले वाले श्लोक में जोड़ना है, सम्यक। ठीक है, एक बार फिर से। प्रयाण काले मनसा चलेना, प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, सतम परम पुरुषम उपैत दिव्यम। वेरी नाइस, वेरी गुड। उच्चारण कीजिए बाप। प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, सतम परम पुरुषम उपैत दिव्यम। वेरी गुड। प्रभु जी एक बार मैं बोलू, मेरी प्रभु जी एक बार मैं करूँ उच्चारण कीजिए। थैंक यू सर। प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, ध्रुवोर मध्ये प्राणम, ध्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक्, ततम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। बहुत अच्छा, हरि बोल। धन्यवाद। उत्साह आपका बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप हमेशा, भले मैं कभी कितना डांट दूं, कुछ बोल दूं, थोड़ा सा आपको ऐसे बोल दूं, लेकिन आपका उत्साह हमेशा बना रहता है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे उत्साह बना के रखिएगा। टीचर भी होना जरूरी है, स्ट्रिक्ट टीचर भी होना जरूरी है प्रभु जी। माता जी, शब्दार्थ, प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा, मन से
अचलेन अचल दृढ़ भक्त्या भक्ति से युक्तः लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही ध्रुवो दोनों भोहों के मध्य मध्य में प्राणम प्राण को आवेश्य स्थापित करें सम्यक पूर्णतया सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस अध्याय का नाम क्या है, भगवत ज्ञान। इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। यहाँ भगवान अपने भगवत प्राप्ति सॉरी इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो भगवान अलग अलग तरीके बता रहे हैं कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आप नंबर का श्लोक आ गया जिसमें भगवान उसी बात को बता रहे हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। भगवान ने जो पहला श्लोक बोला था तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बात बताई थी, वो ये थी कि इस अध्याय में क्या क्या है। तो जल्दी से खोलिए तात्पर्य पहले श्लोक का, इसी अध्याय के पहले श्लोक का तात्पर्य, इसी अध्याय के पहले श्लोक का तात्पर्य। देखिए क्या लिखा है तात्पर्य में, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान, यहां से इंपॉर्टेंट बात है, भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। तो भगवान कर्म की व्याख्या करेंगे और भक्ति तथा योग दोनों। तो अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 10 जो आज का श्लोक है, ये कैसा है जिसमें अष्टांग योग, मैंने आज का टाइटल क्या दिया था, मिश्रित भक्ति योग, am I right? तो मिश्रित भक्ति योग में क्या है कि वो अष्टांग योग का भी अभ्यास करते हैं, साथ ही साथ किसका अभ्यास करते हैं, भक्ति का अभ्यास करते हैं। संगीता मुले माता जी कहाँ ध्यान है आपका, संगीता माता जी हरे कृष्णा, कहाँ बात कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि अलग से कोई और प्रवचन चल रहा है। जी तो यहां पर अष्टांग योग के साथ में भक्ति योग का वर्णन किया गया। आइए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी जो लाइन है संस्कृत शब्द है वो यही है, प्रयाण काले मनसा चलेना, प्रयाण काला काले मनसा चलेना। भगवान पहले भी इस शब्द का उपयोग कर चुके हैं, प्रयाण काले अंत काले, राइट। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने पूछ लिया था प्रयाण काले, या संशमन जी दूसरे श्लोक में प्रयाण काले, अच्छा दूसरे श्लोक में, बिल्कुल सही कहा आपने, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था वो दूसरे श्लोक में है, बिल्कुल सही कहा, उसी को फिर भगवान ने उत्तर दिया है श्लोक संख्या 5 से और अभी तक चल रहा है। अनुवाद को हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए, ऑल टुगेदर मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, दो बार पढ़ेंगे अनुवाद मेरे साथ साथ। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बहु के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो आप में से कोई बता सकते हैं इसमें भक्ति कहां बताई गई है इस श्लोक में और अष्टांग योग कहां बताया गया, थोड़ा सा बुद्धि लगाकर बताइए। स्वाति जी आपके सामने ये प्रश्न है, इसमें भक्ति कहाँ बताई गई है और भक्ति कहाँ बताया, योग कहाँ बताया। प्रभु जी जब भी वो मतलब लिखा है कि आईब्रोज के सेंटर में कंसंट्रेट करना है तो वो अष्टांग योग हो गया, और अनडेविएटिंग माइंड के साथ भगवान में भगवान को याद करना है इन फुल डिवोशन तो वो भक्ति हो गया। हरी बोल, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको याद होगा हमने अध्याय नंबर 6 जिसका नाम क्या था, ध्यान योग, उसमें क्या पढ़ा था, अष्टांग योग की विधि पढ़ी थी। आपको याद आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो अध्याय 6 में हमने पढ़ा था
नाति ऊचितरम नाति नीचम शैला जना कुशोतरा आसन न तो ऊपर होना चाहिए न नीचे होना चाहिए, और किसका बना होना चाहिए, वो आसन लगा करके ऊपर कुशाग्रास होने चाहिए, उसके ऊपर हिरण की छाल होनी चाहिए, उसके ऊपर सीधा उसको बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी सीधी, शिरो काय मनक ग्रीवा। उसमें बताया था कि काय किसको बोलता है, शरीर किसको बोलते है, तो जो गर्दन से नीचे का भाग है उसको हमने समझा था शरीर बोलते हैं, गर्दन अलग से बताया था ग्रीवा। तो वो जो उसमें कहा था कि दोनों आंखों के भौहों के मध्य में उसको फोकस करना है, तो वो कौन सा था, अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या होता है, जिसमें आठ प्रकार से प्राणायाम करते हैं उसको अष्टांग योग बोलते हैं, आठ प्रकार से प्राणायाम करते हैं उसको अष्टांग योग बोलते हैं, ठीक है। अब लोग थोड़ा तो हो जाए ना, अष्टांग योग में आठ अलग अलग तरीके होते हैं, आठ तरह से सांस लेने का तरीका नहीं बताया, प्राणायाम नहीं बताया, प्राणायाम तो एक भाग है उसमें। क्या क्या होते हैं आठ भाग, आठ प्रकार की साधना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा और समाधि, ये टोटल आठ अलग अलग स्टेप्स होती है अष्टांग योग के अंदर। तो एक जो यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों भौहों के बीच में स्थित करके जो अपने प्राण को कब, मृत्यु के समय, जैसे कोई बता सकता है इसका उदाहरण मृत्यु के समय, आप में से वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया इसलिए मैं खुली छूट नहीं दूंगा मैं आपको, जैसे कि उदाहरण है हमारे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने डिसाइड कर रखा था कि वो कब प्राण छोड़ेंगे, तो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट किसका इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को सामने देखने का इंतजार कर रहे थे। तो भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ा था तो अपने प्राणों को उन्होंने दोनों भाव के मध्य में लाया था। प्राण क्या होते हैं, एक प्रकार की वायु होती है, अलग अलग प्रकार की हमने वायु समझी है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पांच प्रकार की वायु जो होती है उसके बारे में हमने समझा है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है हमको इन सब में, क्योंकि हम भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं। और योग शक्ति के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, ये जो बताया गया ना, अविचलित मन से योग शक्ति का उपयोग करता है, किसके अंदर, मन को नियंत्रित करने में, और उसके बाद पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। क्लियर है आप सब लोगों को, अष्टांग योग और भक्ति योग दोनों के मिश्रण के साथ में यहाँ पर जो वर्णन दिया गया है उसको कर करके व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मन किससे स्ट्रांग करता है, अष्टांग योग के माध्यम से अविचलित करता है, साथ ही साथ भौहों के मध्य में प्राणों को स्थापित करता है, कब, कब, मृत्यु के समय, मृत्यु के समय। आप आज करोगे तो काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी होगी, हाँ प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने बताया था ना, मैं जब एक बार इस्कॉन में नया नया हॉस्टल ज्वाइन किया था, इस्कॉन का फोक हॉस्टल जब ज्वाइन किया था, तब हमारे साथ में हमारा एक ब्रदर भी आता था, वो भी कभी चैंटिंग कर लेता था, साथ में रुक जाता था। माइक म्यूट कर लीजिए, रेनू असरानी जी। तो वो कैसे चैंटिंग करता था, वैसे चैंटिंग करता था वो, क्या योगा प्राणायाम भी करता था, तो वो चैंटिंग ऐसे करता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मिक्स करके कोशिश कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यह अष्टांग योग का, हमसे भी आपने प्रश्न पूछा तो हमने बताया था, उसका मदद ले सकते हैं अपने मन को नियंत्रित करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में। शरीर एक साधन है, और ये साधन आपसे गलत, आप इस साधन का उपयोग गलत तरीके से भी कर सकते हैं और सही तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं, बंधन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और मुक्ति के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात, आगे तात्पर्य बताने वाले प्रभुपाद जी, तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। भगवान की भक्ति कैसे होती है, भगवान की भक्ति कैसे होती है,
प्रभु जी नाम जप करके। सिंपल, बहुत क्लियर होना चाहिए। भक्ति का मतलब कुछ और मत समझ लेना। भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, सेवा करना। अगर आप ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं वो भी भक्ति है, भोग बना रहे हैं वो भी भक्ति है, उनके लिए कुछ परचेज भी कर रहे हैं वो भी भक्ति है। कभी भक्ति शब्द को पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान के निमित्त करते हैं उसको क्या बोलेंगे, शक्ति। उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे संगीता मुलेवा माता जी, उसको क्या बोलते हैं संगीता मुलेवा माता जी, अरे ठीक है, कहीं कहीं ध्यान रहता है, कहाँ जाते हैं हमको बोलना, माता जी को हम डांट रहे थे थोड़ा सा, संगीता मुलेवा माता जी को हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है। तो भक्ति कहते हैं ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान श्री कृष्ण को निमित्त रख के किया जाता है उसको भक्ति कहा जाता है। चाहे वो कुकिंग हो, परचेजिंग हो, ट्रेवलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, भगवान के मंदिर के लिए फंड रेजिंग हो, सब कुछ क्या है, भक्ति है। कभी कभी लोग गड़बड़ समझ लेते हैं, क्या प्रभु जी लोग आप लोग भी क्या करते हो, सुबह 9 बजे बैग लेके निकल जाते हो बाहर, फिर 10-15 लोगों 20 लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, डोनेशन इकट्ठा करते हो, मार्केटिंग वालों जैसा काम करते हो। बिल्कुल मार्केटिंग है, लेकिन किसकी मार्केटिंग है, कृष्णा की मार्केटिंग। इसको क्या बोलेंगे, भक्ति, ठीक है। भक्ति का मतलब खाली ये मत समझना नहीं, बैठ करके जप करना ही एकमात्र भक्ति है, ठीक है। आगे बढ़िए, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करके करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को वहो के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। कितने चक्र होते हैं अष्टांग योग के अंदर, ये जो बात की जाती है, 6 चक्र होते हैं, किसी के 7 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 9 होते हैं, ऐसा है, नहीं नहीं बीमा माता जी कितने होते हैं, 7 होता है, 7 माता जी, 7 होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उसमें से जो भौं के मध्य वाले चक्र को क्या बोला गया है, आज्ञा चक्र, ठीक है। और इस चक्र को क्या बोलते हैं, सहस्रार चक्र, जहाँ से प्राण बाहर निकलते हैं वो अष्टांग योगी बाहर निकालने की कोशिश करता है। म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर षट चक्र योग, ठीक है, षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो 2 प्रश्न हो गए आपके पास, यहाँ तो लिखा हुआ है षट चक्र, षट चक्र क्यों लिखा हुआ है कोई बता सकते हैं आपको, षट चक्र क्यों लिखा हुआ है, प्रभु जी जो जाएगा ना तो फिर ये वाला तो मैं नहीं जाएगा यहाँ पर जो ये, माता जी थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चे होते तो नहीं, बात नहीं करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा जी। तो जो ये वाला चक्र है इसकी बात, उसमें उसको कैलकुलेट नहीं किया गया है, सहस्रार चक्र, ठीक है। तो इसे बाकी जो 6 चक्र हैं उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो छठ चक्र योग में प्रस्ताव जो दिया गया है, 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है, मूलाधार, मूलाधार से शुरुआत होती है, अपने ध्यान को नीचे से फिर धीरे 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 ऊपर उठाना होता है प्राण को, परंतु निरंतर, अब इस लाइन को अच्छे से समझ जाइए प्लीज, ये हम सब लोगों के लिए, परंतु निरंतर कृष्ण भावना मृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। बट अगेन, क्या वर्ड यूज किया है, भगवत कृपा से। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी मेमोरीज पे, अपने कहिए कराए पर विश्वास नहीं होना है।
हमें भगवान पर विश्वास करना है, उनकी कृपा पर विश्वास करना है। इस लाइन को प्लीज अच्छे से समझिए, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, कृष्ण भावना अमृत में, परंतु निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज। निरंतर कौन लीन रहेगा बोलिए, प्रमिला खिमानी मत जी, निरंतर कृष्ण भावना अमृत में कौन लीन रहेगा? शुद्ध भक्त। जो नए नए भक्त है वो निरंतर लीन रह सकते हैं क्या? जैसे हम लोग है निरंतर लीन नहीं रह पाते हैं, थोड़ी देर कोशिश करते हैं चैंटिंग के टाइम में, उसमें भी मन भाग जाता है। भगवद गीता में भी थोड़ा मन लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी मन भाग जाता है। तो हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, हम सब लोग कैसे हैं? कनिष्ठ भक्त, नए भक्त, शुरुआती भक्त, जिनका मन अभी पूरी तरह से भगवान में लगा नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। पहला कारण भगवत कृपा, दूसरा कारण जीवन भर अभ्यास किया। ठीक है, कोई प्रश्न? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का स्मरण कर पाते हैं, वो 14वें श्लोक में बताया, इसको हम समझेंगे। आइए नेक्स्ट जो पैराग्राफ बचा है उसको पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह सट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। किसके बिना? किसके बिना? माता जी प्लीज कुछ तो थोड़ा तो किताब खोल रखी है, रसूल गुप्ता माता जी आपने। हाँ दिखाइए, योग योग की योग बलेन लिखा है। योग जी, योग शब्द उपयोग हुआ है। योग मतलब क्या? योग शब्द के कारण अष्टांग योग और भक्ति योग। योग इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग हो। योग का मतलब क्या है यहाँ पर? अभ्यास। अभ्यास नहीं होगा तो चाहे वो षट चक्र योग हो अर्थात की अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्या आवश्यक है जीवन में? प्रयास, प्रयास और प्रयास। लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल प्रयास कर करके, आपने देखा ही है ग्रेट इंडिया टैलेंट शो या कुछ और टैलेंट शो होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कैसे वो लोग करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी ना किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? आईफोन वाले माता जी जो ऐसे बैठे हुए माता जी, हाँ माता जी आपसे कह रहा हूँ, ऐसे जो बैठे हुए हैं, आप ही तो बैठे हुए हैं, माइक अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी। आप नहीं, माता जी है आईफोन नाम से। यस माता जी अनम्यूट कीजिए, आपसे ही कह रहा हूँ माता जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ क्या नाम है आपका? सुनीता जैन। हाँ सुनीता जैन। नाम से क्यों नहीं ज्वाइन किए? ठीक है, यहाँ पर जो बात बताइए वो बताइए मुझे। हाँ, गुरु जी। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर सकता, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या है? यस माता जी। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? कोई भी मृत्यु के समय सहसा भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, क्या अर्थ है? क्योंकि अगर उसे अभ्यास नहीं है तो अचानक से वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो सहसा मतलब अचानक से भगवान का स्मरण नहीं आने वाला है, अगर अभ्यास नहीं है तो नहीं आएगा। अजामिल को भी अभ्यास नहीं था। किसका अभ्यास नहीं था? भगवान का नाम जप करने का। तो फिर तो उसको नारायण याद आया था ना, किसका अभ्यास था उसको?
इसका मतलब तो नारायण का अभ्यास नहीं था, फिर भी उसको बेटे का काम था, बेटे का अभ्यास था। नारायण पानी लाओ, नारायण इधर आओ, नारायण कहाँ जा रहे हो, नारायण तुमने क्या किया, नारायण तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ, नारायण नारायण किसको याद किया, बेटे को। उसने भी किसको याद किया, बेटे को ही याद किया। जिसका अभ्यास हुआ है वही याद आएगा, ये याद रखना। इसलिए कहा गया है कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित होता है। हरि बोल। प्रभु जी अभी इतना विचलित है, मृत्यु के समय कितना विचलित होता होगा सोचो। अभी इतना विचलित है, मृत्यु के समय कितना विचलित होता होगा। आपको ना जानबूझकर कोशिश करनी चाहिए अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की, अपना मन को एक जगह लगा के रखने की। कुछ भी व्हाट्सएप एकदम से, मान लीजिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और एक वो उसकी जो स्क्रीन लाइट है वो ऑन हो गई, तो आपका हाथ किधर जाएगा सीधा, या आंखें किधर जाएगी, क्या मैसेज है, क्या नोटिफिकेशन, नहीं तो नहीं देखूंगा। जानबूझ करके आपको अपने विल पावर आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ये आपको अभ्यास है। और सबसे बड़ी ताकत किसके अंदर है, चैंटिंग के अंदर है। चैंटिंग के समय कुछ नहीं करूंगा, इसलिए सुबह सुबह ही हो पाता है वो, कुछ नहीं करूंगा वाली चैंटिंग सुबह हो पाती है। उसके बाद तो मिक्स हो जाती है थोड़ा, रजोगुण एक्टिव हो जाता है, दिमाग में विचार आ जाते हैं, आज तो मीटिंग करने जाना है, उससे मिलना है, ये बात करना है, ये करना है, वो सब चलने शुरू हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह जो है जाप करना अत्यधिक आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो आप सभी कृपया करके सुबह सुबह जप करने का अभ्यास करें। तो बिना अभ्यास के भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा, अचानक से स्मरण नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो। बता दिया यहाँ पर, क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिश्रित बता रहे हैं, इसके बाद बताने वाले हैं शुद्ध भक्ति भी बताने वाले हैं, प्योर डिवोशन भी बताने वाले हैं, जो आगे आने वाला है। और रेफरेंस भी लिया है, आपको मालूम होगा श्लोक संख्या 14 जिसमें बताया है प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति बताइए। श्लोक संख्या 14 में अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये सब गीता के ज्ञान से हमें मालूम पड़ता है कि मन बहुत विचलित रहता है मृत्यु के समय, इसलिए हमें अभी से क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए थोड़ा सा एक छोटी सी चीज मालूम पड़ जाए कि आपको है ना डायबिटीज है, जस्ट एक नई इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाए, तो आपका मन कैसा होगा, बोलिए विचलित होगा पूरी तरह से। कुछ मालूम पड़ जाए कैंसर है, पूरी तरह से विचलित होंगे। इस अवस्था में चैंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। ये सब जिसने भी बोला है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सब भगवद गीता से कोट किया हुआ श्लोक, सारे पॉइंट वहीं से लिए, सारी बातें भगवद गीता से बताई गई है। तो अभ्यास भगवान ने कहां बताया था, 6 अध्याय में भी बताया है और 8 अध्याय में भी बताया है। अभ्यास बिना तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को आप क्या बोलते हो, जब एग्जाम देने जाते तो आप क्या बोलते हो, एटलीस्ट एक दो बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन क्या है, अभ्यास। रिवीजन क्या है, अभ्यास। ठीक है, तो आइए आज हम इस 1 साल पूरे होने की खुशी में भगवद गीता के इस कार्यक्रम को, वैसे तो आज अपने पास टाइम है, चैंटिंग का समय है, तो मैं आप में से एक दो डिवोटीज का अनप्रिपेयर्ड इंटरव्यू लूंगा, अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड इंटरव्यू